दोस्तों, अगर आपको एक ऐसी फिल्म पसंद है जिसमें क्राइम और थ्रिलर दोनों का मजा हो, तो आज हम आपके लिए लाए एक ऐसी ही फिल्म जिसका नाम वैकेंसी है। फिल्म में यह दिखता है कि कैसे एक पति और पत्नी बचते हैं जब कुछ आदमी उनको जान से मारने के लिए उनके पीछे पड़ जाते हैं। तो फिल्म की शुरुआत डेविड और एमी फॉक्स नामक कपल्स को दिखाते हुए होती है। इनका डिवोर्स होने वाला होता है। वह एक रात फैमिली पार्टी से वापस अपने घर लौट रहे होते हैं, लेकिन वह गलत रास्ते पर चले जाते हैं जो कि एक पहाड़ से होके जाता है, जहां उनकी कार में रह रहकर कुछ गड़बड़ियां होने लगती हैं, जिससे डेविड को बहुत गुस्सा आने लगता है। कुछ दूर जाते ही उन्हें एक गैस स्टेशन दिखता है। वो दोनों वहीं कार लेके चले जाते हैं, लेकिन वहां जाके वो देखते हैं कि गैस स्टेशन बहुत साल से बंद है। तभी अचानक एक आदमी आता है। उसे देखकर डेविड और एमी डर जाते हैं। वो आदमी खुद को मैकेनिक बताता है। वो डेविड से कहता है कि आपकी कार को हम ठीक कर देंगे, जिससे आप कुछ दूर तक जा पाएंगे। इतना बोलकर वह कार ठीक करने में लग जाता है और कुछ देर बाद डेविड से कहता है कि शायद किसी चीज से टकराकर आपके इंजन का फैन खराब हो गया है। डेविड बताता है कि कुछ देर पहले वह एक रकून नाम के जानवर से टकराने वाला था, उसको बचाने के चक्कर में वही फैन टूट गया होगा। यह कहकर डेविड और एमी उस आदमी का शुक्रिया अदा करते हैं और डेविड उसे $20 देता है उसकी गाड़ी ठीक करने के लिए, और दोनों वहां से निकल पड़ते हैं अपने घर की तरफ। लेकिन कुछ दूर जाते ही गाड़ी फिर से खराब हो जाती है और डेविड गाड़ी से बाहर निकलते हुए जोर से गुस्से में चिल्लाता है और वापस उसी गैस स्टेशन पर जाके गाड़ी ठीक कराने का फैसला लेता है। उसके पीछे पीछे एमी भी जाती है। वहां जाके वो देखते हैं वो आदमी नहीं है और उस जगह पर कोई भी नहीं दिखता। तभी उसकी नज़र एक पाइनवुड नाम के रिसॉर्ट पर पड़ती है और वह दोनों वहां चले जाते हैं। डेविड और एमी होटल काउंटर पर जाते हैं और उन्हें एक लड़की के चीखने की आवाज़ आती है। दोनों चौक जाते हैं और डेविड काउंटर पर रखी घंटी बजाता है। तभी मोटल का मैनेजर मैसन कमरे से बाहर आ जाता है और डेविड के पूछने पर कि आवाज़ कहां से आ रही है, वो बताता है कि उसके फ़ोन में वो आवाज़ बज रही थी। तब डेविड उससे पूछता है कि वह मैकेनिक कहां गया। तो मैसन बताता है कि काफ़ी रात हो गई थी, इसलिए घर चला गया होगा। यह सुनकर डेविड को निराशा होती है। फिर वो मैसन से पूछता है कि उसको बाहर वाला फ़ोन यूज़ करना है और वह कुछ डॉलर के बदले मैसन से सिक्के लेता है। फिर मैसन सिक्का देने के बाद बताता है कि बाहर का टेलीफोन काम नहीं करता। तब एमी उससे कहती है कि यहाँ से चलो, लेकिन डेविड थक गया है और एमी से कहता है कि वह अब और नहीं चल पाएगा, और दोनों फैसला करते हैं कि आज होटल में ही रुक कर आराम करेंगे और कल सुबह जब वो गाड़ी बनाने वाला मैकेनिक आएगा तो चलेंगे। फिर डेविड कुछ $5 और देके उस मोटल में एक रात के लिए रूम ले लेता है। मैसन उन्हें रूम नंबर 4 की चाबी दे देता है और वह दोनों अपने रूम में चले जाते हैं। रूम में जाने के कुछ देर बाद डेविड और एमी को किसी अनजान का फ़ोन आता है। एमी फ़ोन उठाती है, लेकिन दूसरी तरफ से किसी की आवाज़ नहीं आती। अचानक कोई उनके रूम का दरवाज़ा ज़ोर से पीटने लगता है और वह दोनों घबरा जाते हैं। फिर डेविड दरवाज़ा खोल के देखता है तो उसे वहाँ कोई नज़र नहीं आता। दोबारा टेलीफोन की घंटी बजती है। इस बार डेविड फ़ोन उठाता है, लेकिन कुछ आवाज़ नहीं आती। डेविड को लगता है कि कोई उसके साथ मजाक कर रहा है और वह गुस्से में होटल के मैनेजर मैसन के पास जाके कहता है कि उसके बगल वाले रूम नंबर 3 में से कोई आके उन्हें परेशान कर रहा है। लेकिन मैसन उन्हें चेक करके बताता है कि उस पूरे होटल में सिर्फ वही दोनों गेस्ट हैं, बाकी कोई और नहीं आया है। मैसन कहता है, फिर भी आपकी आशंका दूर करने के लिए मैं फिर से चेक कर लेता हूँ, और वह चला जाता है। और डेविड वापस आके एमी से कहता है कि कोई डरने वाली बात नहीं है, सो जाओ, कल सुबह चलेंगे। लेकिन एमी को डर लगता है और वह डेविड से वहाँ से चलने के लिए कहती है, लेकिन डेविड इनकार कर देता है और उससे सोने के लिए कहता है। डेविड को टीवी देखते देखते वहाँ पर रखे टेप पर ध्यान जाता है। वो उन टेप को एक एक करके चलाने लगता है। उसे समझ आता है कि वीडियो में जो कमरा दिखाया जा रहा है वो उसी का कमरा है, और वीडियो में कुछ लोग दो लड़कियों और एक आदमी को बेरहमी से जान से मार डालते हैं। फिर डेविड तुरंत छुपे हुए कैमरे को खोज निकालता है और इसको लगता है कि मैसन उन दोनों पर नजर रख रहा है। फिल्म में आगे दिखाते हैं कि डेविड को बाथरूम में कटा हुआ सेब मिलता है जो एमी कार में छोड़कर आई थी। यह सेब देखकर दोनों डर जाते हैं और वहां से भागने का फैसला करते हैं। जैसे ही डेविड और एमी दरवाजा खोल के भागने लगते हैं, उधर से दो आदमी जो नीला कपड़ा और मास्क पहने होते हैं दोनों को मारने के लिए दौड़ने लगते हैं। दोनों वापस भागकर अपने रूम में चले जाते हैं और रूम का दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। उसके बाद डेविड मोटल के फ़ोन बूथ तक जाने का फैसला लेता है कि वहाँ वो पुलिस को फ़ोन कर सकें। डेविड एमी से कहता है कि तुम उनका ध्यान अपनी तरफ किए रखो, तब तक मैं फ़ोन बूथ तक जाकर पुलिस को खबर कर दूंगा।
और ये कहकर डेविड तुरंत फोन बूथ की तरफ भाग जाता है और वहां जाके कॉल लगाता है, लेकिन बदकिस्मती से वह कॉल मैसन को लग जाता है। और तभी एक तेज गाड़ी आती है और पूरे फोन बूथ को तहस नहस कर देती है, लेकिन डेविड वहां से भाग जाता है और जाके कमरे का दरवाजा फिर से बंद कर लेता है। कुछ देर बाद डेविड और एमी को एक ट्रक आते हुए दिखता है। ट्रक ड्राइवर की अटेंशन पाने के लिए वह दोनों जोर जोर से दरवाजे और खिड़कियां पीटने लगते हैं। ट्रक ड्राइवर उन्हें देख लेता है और उनकी तरफ आने लगता है। तभी मैसन कुछ कैसेट लेके उस ट्रक ड्राइवर को दे देता है। यह सब देख के डेविड और एमी को पता लग जाता है कि ट्रक ड्राइवर उनसे मिला हुआ है। डेविड को बाथरूम में एक छोटा दरवाजा मिलता है जो कि एक सुरंग की ओर जाता है। वह एमी के साथ उस सुरंग में चला जाता है। कुछ देर बाद वह दोनों सुरंग से होते हुए मैंसन के ऑफिस की तरफ निकल जाते हैं और वहां जाके वह चौक जाते हैं और देखते हैं कि मैंसन कैसे उनके ऊपर नजर रख रहा है। वहां कई सारे टीवी लगे थे जिसमें अलग अलग कमरे की रिकॉर्डिंग हो रही थी। तब वह दोनों कुछ काम की चीजें खोजने लगते हैं और एमी को एक टेलीफोन मिलता है। वह तुरंत पुलिस को कॉल करने लगती है कि तभी मैसन आ जाता है और वह दोनों उसी सुरंग के रास्ते भागने लगते हैं। मैसन फोन की आवाज सुन लेता है जब पुलिस उसमें एड्रेस और नाम पूछ रही होती है, तो वह तुरंत अपने आदमियों को डेविड और एमी के पीछे लगा देता है। लेकिन किस्मत से डेविड और एमी दूसरा रास्ता लेके सुरंग में से वहां से गैराज में चले जाते हैं और बच जाते हैं। कुछ देर बाद वहां एक पुलिस वाला आता है। मैसन उससे होटल का मैनेजर बनके बात करने लगता है और उस पुलिस वाले को डेविड और एमी भी देख लेते हैं, लेकिन वह दोनों उस वक्त कुछ नहीं करते। पुलिस वाला मैसन से कहता है कि सेफ्टी के लिए वह उस जगह का एक राउंड मार के आएगा। मैसन उसके साथ जाता है और पुलिस वाला उसको रूम खोलने को कहता है, लेकिन मैसन कहता है कि वह गलत चाबी उठा लाया है और चला जाता है। पुलिस वाला देखता है कि रूम तो खुला है और वह अंदर जाता है और उसे वही वीडियो टेप दिख जाता है। वह डर के मारे अपनी बंदूक निकाल लेता है और बाहर आ जाता है। डेविड और एमी को जैसे ही पता चलता है कि पुलिस वाला मैसन का आदमी नहीं है, वह मौका देख के तुरंत पुलिस वाले के पास भागते हैं। पुलिस वाला उनको शूट करने वाला होता है, लेकिन वो बताते हैं कि वह मैसन के आदमी नहीं है। पुलिस वाला उनको तुरंत अपनी गाड़ी में बैठाता है, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। तो पुलिस वाला उतर के इंजन चेक करने लगता है, लेकिन उसको पीछे से एक नीले कपड़े वाला आदमी चाकू मार देता है। यह देखकर डेविड और एमी उस कार से निकलकर दूसरे रूम में भाग जाते हैं। डेविड की नज़र कमरे की सीलिंग पर जाती है। वो एमी को उस सीलिंग में छुपने के लिए बोलता है और कहता है कि कोई आवाज़ मत करना, चाहे जो हो जाए। एमी उसकी बात मान जाती है। फिर डेविड उससे कहता है कि वो मेसन के ऑफिस में पड़ी बंदूक लेके आएगा, तब तक तुम नीचे मत आना। तभी डेविड को वो दो नीले कपड़े वाले आदमी चाकू मारकर घायल कर देते हैं। एमी ये सब अपनी आंखों से देखती है और चुपचाप रोने लगती है। मेसन को लगता है कि एमी भाग गई है। वो अपने आदमियों को एमी की तलाश में लगा देता है और वहां से चला जाता है। अगली सुबह एमी सीलिंग से नीचे उतरती है डेविड को देखने के लिए। तभी एक नीले कपड़े वाला आदमी उसके ऊपर हमला कर देता है और वह तेजी से अपनी कार की तरफ भाग जाती है। जैसे ही कार स्टार्ट करती है, वैसे ही एक नीले कपड़े वाला आदमी उसकी कार की छत पर चढ़ जाता है और उसको मारने की कोशिश करता है, लेकिन एमी कार को तेजी से ले जाके होटल में टकरा देती है और देखती है कि दोनों आदमी मर जाते हैं। उनमें से एक वही मैकेनिक रहता है। तभी एमी वहां से भागकर मैसन के ऑफिस में जाती है और फोन चेक करती है, लेकिन फोन का तार निकला हुआ देख के वह बंदूक लेने लगती है। तभी अचानक मैसन आ जाता है। वो एमी को बहुत मारता है, वो उसका वीडियो बनाने लगता है, लेकिन एमी उसको धक्का मार के बंदूक ले लेती है और मैसन के ऊपर गोली चला देती है, जिससे मैसन की मौत हो जाती है। एमी भागे भागे डेविड के पास जाती है और देखती है कि उसके अंदर अब भी थोड़ी सी जान बची है। यह देखकर एमी खुश हो जाती है और वापस मैसन के ऑफिस में जाकर टेलीफोन से पुलिस कॉल करती है। फिर उनके आने का इंतजार करती है और यहाँ पे फिल्म की समाप्ति हो जाती है। इस फिल्म को बनाने में प्रोड्यूसर का $19 मिलियन लगा था और इस फिल्म की बॉक्स ऑफिस पर 35.3 मिलियन की कमाई थी। IMDb पर इस फिल्म की रेटिंग 6.2/10 थी। तो हमेशा की तरह दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मेरे दोस्तों आपको ऐसी ही जानदार आवाज आगे भी मिलती रहे। आखिर में कहना चाहूंगा, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। धन्यवाद।